गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम। एंटीलिया बॉम्ब स्केयर केस और मनसुख हिरेन केस में बड़ी अपडेट आ रही है। परमबीर सिंह पहुंचे हैं एनआईए ऑफिस। आज सुबह 9:30 बजे परमबीर सिंह एनआईए ऑफिस पहुंच गए हैं। ये खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फिलहाल फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह रीचेज एनआईए ऑफिस इन कनेक्शन विद द एंटीलिया बॉम्ब स्केयर केस, ये खबर आ गई है। आप लोगों को पता है जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को 100 करोड़ उगाही मामले में आदेश दे दिया है, सीबीआई को जांच दे दी है, उसके चलते अब एनआईए परमबीर सिंह भंडारी से सवाल जवाब करेगी, ये खबर आ रही है। खबर ये है कि अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जाँच शुरू करने के लिए कहा गया है। इसके बाद सीबीआई ने मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। पूर्व पुलिस कमिश्नर ने लगाए थे गंभीर आरोप, वजह है एंटीलिया बॉम्ब स्केयर केस के बाद सचिन वाजे अरेस्ट हुए और अरेस्ट होने के बाद जब परमबीर सिंह भंडारी को ट्रांसफ़र किया गया, परमबीर सिंह भंडारी द्वारा एक लेटर बॉम्ब फॉरवर्ड किया गया उद्धव ठाकरे और गवर्नर को, अब उस पर कार्रवाई हो रही है और जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख चाहते थे कि पुलिस अधिकारी बार और होटलों से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करके उन्हें पहुंचाए। इसके साथ ही परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पीआईएल फाइल की थी जिसमें उन्होंने अनिल देशमुख पर लगाए आरोपों के लिए सीबीआई जांच की मांग की थी। हालांकि उनकी मांग खारिज हो गई, लेकिन जयश्री पाटिल की मांग पर आदेश जारी हो गया था। सीबीआई अब इस मामले को जाँच कर रही है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि क्या रहेगा, क्योंकि अब सीबीआई एनआईए सब मिलकर इस मामले को देखेंगी। तो फिलहाल इस मामले के पीछे सुशांत सिंह राजपूत का केस न छुपे, ये हम चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि सेंट्रल एजेंसीज उस पर भी ध्यान दें। हालांकि हमें पता है कि सेंट्रल एजेंसीज जिस तरीके से और जिस जद्दोजहद से इस केस को सुलझाएगी, इस केस से उस केस तक तार जुड़ सकते हैं, वजह है सचिन वाजे। तो वी एक्सपेक्ट कि सुशांत सिंह राजपूत केस में भी जल्द कुछ खबरें आएँ, क्योंकि लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इन मुद्दों के बीच में सुशांत सिंह राजपूत का केस कहीं छुपे या दबे नहीं। हालांकि लोग कंटिन्यूसली जस्टिस की मांग कर रहे हैं और वो करते रहेंगे जब तक सुशांत सिंह राजपूत केस पे जस्टिस नहीं मिल जाता। लेकिन एक अच्छी खबर मैं आप लोगों को बताऊं, SSR फैंस और SSRians के लिए ये खबर है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट NCB NIA CBI जो भी कार्रवाई महाराष्ट्र में कर रही है, ये कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली जाके इंटरलिंक्ड होंगे सुशांत सिंह राजपूत केस में, ये मेरा मानना है। क्योंकि वजह है हर उस आदमी को खंगाला और उस पर कार्रवाई की जा रही है जो कि कहीं ना कहीं से लिंक्ड है SSR केस में, ये दिख रहा है, ये लग रहा है, ये मेरी अपनी सोच है। तो मुझे एक होप है और गारंटी भी है कि जल्द ही सेंट्रल एजेंसीज हमको सुशांत सिंह राजपूत केस में भी कुछ बड़ी अपडेट देंगी। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी खबर आ रही है तो वो आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में साझा करूंगा। धन्यवाद।